तमाम कोशिशों के बावजूद नशे के सौदागरों की कालाबाजारी जारी है। वहीं एंटी नारकोटिक सेल को नशे की बड़ी खेप मिलने में कामयाबी मिली है, साथ ही दो आरोपियों को काबू भी किया गया है। इन नशे के सौदागरों से करीब 9 लाख रुपए की कीमत का 115 किलोग्राम चूरा पोस्त और 3 किलो अफीम बरामद की गई है। कुरुक्षेत्र एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी मनदीप सिंह के मुताबिक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की। NH-44 पर गांव उमरी के पास नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू की गई और एक ट्रक को शक के आधार पर रोका गया। ट्रक पूरी तरह से खंगाला गया तो ट्रक से बड़ी मात्रा में नशे की खेप मिली। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें एक लुधियाना का तो दूसरा उदयपुर का है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह पोरिया, आईपीएस कुरुक्षेत्र व एडिशनल एसपी श्री करण सिंह गोयल जी के आदेशानुसार, उनके दिए हुए निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जो उसी कड़ी में कल हमारी ANC की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि हरविंदर सिंह पुत्र मनजीत सिंह वासी खन्ना और कुलविंदर सिंह पुत्र रूढ़ सिंह वासी फतेहगढ़, ये दोनों ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं और ये राजस्थान MP वगैरह से आते वक्त चूरा पोस्त अफीम लेकर आते हैं। तो आज भी ये भारी मात्रा में चूरा पोस्त और अफीम लेकर आ रहे हैं। जो इसी सूचना पर NH-44 हाईवे पर पिपली के पास हमारी ANC की टीम ने नाकाबंदी की, जो दौरान नाकाबंदी ये ट्रक आता हुआ दिखाई दिया और इसको काबू किया। मौका पर गस्टेड ऑफिसर DSP साहब नैन साहब को बुलाया गया, वह इसके इनकी तलाशी लेगी। जो दौरान तलाशी 1 क्विंटल 15 किलो चूरा पोस्त व 3 किलो अफीम बरामद हुई, जो इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया है। जो अब इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, जो ये कहां से लेकर आते और कहां देना था और आगे की तफ्तीश अब जारी है। अब दोनों ये नशे के व्यापार में कब से जुड़े हैं, कहां से लेकर आ रहे थे, कहां इसकी सप्लाई की जा रही थी, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज 18 हरियाणा।